अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी मैं जा रही थी बाहर, शाम को ईद का चौथा दिन, आज मेरा दिल कर रहा था बाहर जाने को और कुछ खाने का चटपटा सा मेरा मन हो रहा था। तो मैंने अपने मियाँ को बोला प्लीज़ मुझे कहीं पर लेके चलें, मुझे आज गोलगप्पे खिलाएं। तो हम लोग गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। तो हम लोग निकले बाहर, इतना मौसम अच्छा था कराची का आज, तो ठंडा ठंडा मौसम, हवा वाली मौसम, इतना प्यारा मौसम था, बादल थे, इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग बाहर निकले और हम आ गए थे करीब गोलगप्पे के, बिन सफ़ीर के बाहर गोलगप्पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, मेरे मियाँ मुझे लेकर जा रहे थे और आज मेरी उन्होंने ख्वाहिश पूरी की। तो अभी हम पहुंच गए देखो गोलगप्पे वाले के पास, उसके बाद चना चाट भी है और वो अभी बना रहा है हमारी प्लेट। पहले तो मैंने उनको बोला कि पूरी प्लेट बनाओ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं इतने नहीं खा पाऊँगी, फिर मैंने आधा प्लेट मंगवाया क्योंकि बहुत ही स्पाइसी होते हैं। पहले मेरे मियाँ ने बोला था मैं नहीं खाऊँगा, फिर उन्होंने भी एक टेस्ट तो किया लेकिन वो घर तक ना खाँसते आ गए। फिर हम लोग गए मारूफ बेकरी, वहाँ से हमने कुछ मिठाइयाँ ली, लच्छा लिया और पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा पड़ा था, हमारा दिल कर रहा था लेने का और छमछम पड़े थे, ये चांदे के हुरैन को पसंद थे, वो कह रही थी मुझे लेकर दो। और ये लॉलीपॉप पड़ा था तो अच्छा हुआ उसने लॉलीपॉप नहीं देखा, वो देखती तो वो जिद करती। इसी बात के हम लोग निकल गए बाहर, जा रहे थे क्योंकि हमने अपना पार्सल सामान करवाया ले लिया। हम लोगों को घर जाना था, शानजे को बुखार हो गया है, उसको डॉक्टर को भी दिखाना है शाम तक। पहले तो आते आए वहाँ से डॉक्टर था ही नहीं, इस वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं मारूफ बेकरी की मिठाई। आप लोग भी ट्राई करें अगर कराची में कभी खाए हैं तो। उसके बाद मैं आ गई घर, मैंने वो लच्छा खोला मारूफ का, मैंने मेरा दिल कर रहा था जल्दी जल्दी कुछ खाने को, तो मैंने लच्छा तो खोला लेकिन इसका टेस्ट इतना यमी था, इतना यमी मैं क्या बताऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, आगे भी मेरी जो भी वीडियोज़ हो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।